आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। गुजरते दिनों के साथ साथ मालेगांव शहर भी तेजी के साथ तरक्की की जानिब गामजन होता जा रहा है, जिसका जीता जागता सबूत शहर में जदीद सहूलियत वाली इमारतों की तामीर है। मालेगांव शहर में कंस्ट्रक्शन मटेरियल की दुनिया में मोतबर नाम रखने वाले हाजी अब्दुल रहमान शाह ने आगरा रोड पर शाह बिल्डिंग मटेरियल की जगह पर एक बावकार इमारत बनाम इम्पीरियल प्लाजा तामीर करने का मंसूबा बनाया है। आज सैकड़ों अफराद की मौजूदगी में इम्पीरियल प्लाजा का संग बुनियाद हाजी अब्दुल रहमान शाह के वालिद हाजी मासूम अली शाह के हाथों अमल में आया और इस मौका पर खुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया गया। इम्पीरियल प्लाजा में फायर सेफ्टी व लिफ्ट सिस्टम का भी नज़्म किया गया है। इस बिल्डिंग में बेसमेंट भी होगा और ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग सेंटर होंगे। बिल्डिंग के अगली हिस्से में 2 BHK फ्लैट की तामीर की जा रही है, जिसकी बुकिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। हालांकि इस प्लाजा में तकरीबन 35 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर्स हैं, जिनमें से बेशतर की भी बुकिंग मुकम्मल हो चुकी है और मुख्तसर सी बुकिंग बाकी रह गई है। यह जदीद सहूलियात वाली बिल्डिंग तकरीबन 5 मंजिलों पर मुश्तमिल होगी। इस बिल्डिंग की शॉपिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पेशावर अफराद जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या दीगर पेशावर लोग इसे बतौर ऑफिस इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पीरियल प्लाजा की तामीर के ताल्लुक से हाजी अब्दुल रहमान शाह और उनके साथियों ने क्या कहा है, देखिए इस वीडियो में। इस बिल्डिंग में आप देखेंगे जो रोड साइड है वो 5 शॉप्स हैं, 6 शॉप्स हैं, जिसकी साइज जो है 10 फीट बाय 25 फीट की है और ये जो है रोड लेवल से ज्यादा ऊपर इसका प्लिंथ नहीं दिया गया। इस वजह से जो है आप जो है डायरेक्ट पार्किंग करके अंदर एक्सेस कर सकते हैं और दूसरा बेसमेंट भी है इसके अंदर और जो फ्लोर की हाइट है वो 12 फीट है और इसपे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ फ्लोर भी है और जो अंदर जो पैसेज है वो 8 फीट का दिया हुआ है, जिससे जो है आपको एक्सेस वगैरह जो है वो काफ़ी आसानी से हो सकता है। इसमें जो है टेरिस पे जो है रेस्टोरेंट भी रहने वाला है, टेरिस रेस्टोरेंट, जिसका जो एक्सेस है वो लिफ्ट के जरिए जो है डायरेक्ट ऊपर टेरिस के ऊपर जा सकते हैं। हाँ, पीछे साइड जो है आपका जो है फ्लैट है, जो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे फ्लैट हैं, जो 2 बेडरूम हॉल किचन उसका जो लेआउट है। तो इसमें जो ग्राउंड फ्लोर है वो शॉप्स के लिए है, जो और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के ऊपर जो GST वकील हैं और दूसरे जो इंजीनियर्स ऑफिस, आर्किटेक्ट ऑफिस और बहुत सारे जो ऑफिस हैं वो लोग बुक कर सकते हैं और जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ऊपर बहुत सारे लेबोरेटरीज होते हैं वो आ सकते हैं और एक पूरा फ्लोर भी हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि एक पूरा जो थर्ड या फोर्थ फ्लोर जो है कोई हॉस्पिटल वाला अप्रोच करता है तो उसके लिए जो लिफ्ट की सेपरेट सहूलत दे के सेकंड या थर्ड फ्लोर या फोर्थ फ्लोर ले सकता है वो। हमने जैसे एड के ऊपर एडवर्टाइज पर और इधर भी आप देखेंगे यहां पर कंटिन्यूअस जो है 2 प्रोप्राइटर जो है उनके नंबर्स दिए हुए हैं, प्रिंस बिल्डिंग मटेरियल के हमारे शोएब शाह और फैसल शाह, ये दोनों के नंबर्स हैं। उसके अलावा यहाँ साइड ऑफिस भी बना दी गई है, साइड ऑफिस जो है एकदम इसके कॉर्नर पर ही है। ये यहाँ पर आप कभी भी जाकर मतलब ऑफिस टाइम के अलावा भी रात में भी यहाँ रात की ड्यूटी अब्दुल रहमान शाह साहब की रहेगी, लेकिन मुनासिब ये रहेगा कि आप सुबह के वक्त में और ऑफिस टाइम में आकर पूरी बात आप समझ सकते हैं, नक्शा देख सकते हैं, उसका डिजाइन देख सकते हैं और उसकी बुकिंग का तरीकाकार क्या होगा ये पूरी तफसील जो है ये आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। और ऐसा हमारा जो है ऑफिस टाइम सुबह 11 बजे से लेके रात में 8 बजे तक के ऑफिस टाइम है हमारा और पूरी डिटेल देने के लिए जो है यहाँ पे हमारी ऑफिस है जो टेम्पोररी अभी ऑफिस बनाया है वो रब्ता कर सकते हैं। मेरे शोएब भतीजा जो है और लड़का मेरा फैसल शाह है, उनको भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसको भी मतलब बुकिंग कराना है वो पूरी डिटेल दे। 5 फ्लोर इसकी जो है 5 का मंजूरी है और एक फ्लोर पे 6 शॉप रहेंगे, उसमें से 5 फ्लोर पे 6 बच्चे 30 फ्लोर शॉपिंग रहेंगे और साथ साथ में पीछे जो बेक साइड में सी वहाँ पर जो फ्लॉड है हमारा पीछे साइड से जो है वो फ्लैट रहेगा,
और लगभग फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है, तो मतलब फ्लैट की आपको गुंजाइश नहीं रही है, फ्लैट सब बिक चुके हैं। कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा है कि लगभग कुछ बुकिंग हो गई है और मुख्तसर से बुकिंग रह गई, जो मतलब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी अल्लाह ने चाहा तो वो कामयाबी हो जाएगी इंशाल्लाह। शहर जो है अपना मालेगांव शहर जो है एक डेवलप की तरफ जा रहा है और शहर के लोगों ने एक अच्छी सोच रखना चाहिए और अच्छी प्लानिंग से उसको डेवलप करना चाहिए और एक अपने शहर को एक खूबसूरत बनाना चाहिए। ये शहर के लोगों का काम है और हम शहर के लोगों को यही बोलेंगे जिनकी भी मतलब शहर का रोड के ऊपर जगह है तो एक अच्छे तरीके से माहौल बना के अपने शहर को एक जीने का और रहने का सलीका सीखना चाहिए। ये मेरी अपील है, गुजारिश है।